हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ डुअर्स के साथ वीडियो शुरू कर रही हूँ दोस्तों। तो डुअर्स में चिकन रेसिपी गांव में कैसे स्टाइल में मैंने बनाया था, उसका ही वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए कुछ प्राकृतिक नज़ारे जो हम लोग को शहर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो सिर्फ डुअर्स में ही मिलते हैं, ऐसे चीज़ों के साथ मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ दोस्तों। होप सो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। अच्छा है, यहाँ हरा भरा ग्रीनरी देख के आपका मन, आईज, टेंशन सब कुछ दूर हो जाता है दोस्तों। चैनल, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ गांव का देसी स्टाइल में चूल्हे में चिकन का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, गांव में कैसे बनती है, और लकड़ी के चूल्हे में खाया हुआ चिकन जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो में बने रही है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा को जला दिया गया है, उसके ऊपर लोहे का कढ़ाई रख दिया है, और सुजाना को देखिए तो दोस्तों ये जो लोहे का कढ़ाई है दोस्तों, ये मेरे नाना जी का है। मेरी माँ का कहना है कि मेरे नाना जी ने खरीदा था, वही लोहे का कढ़ाई में अभी भी यूज करते हैं। बहुत कहते हैं कि अभी भी बहुत अच्छा है ये लोहे का कढ़ाई। तो सरसों का तेल में आलू फ्राई होने के लिए दे दिया है, और चिकन में आलू ना हो तो हम लोग का कोई बात नहीं जमता है दोस्तों। और हम लोग नंबर में बहुत ज्यादा पीपल है, इसलिए बहुत सारे आलू है दोस्तों। है मध्यम आंच पे फ्राई हो रहा है, और देख सकते हैं दोस्तों किचन ऐसा है। और ये मैं और मेरे मामा जी बैठे हैं यहाँ पे। मेरे मामा जी तो जो है वो बरदगी चाय बगान के बाबू काम करते थे, मतलब स्टाफ थे, वो अच्छे पोस्ट पे थे। और ये 13 साल से किडनी पेशेंट है, गॉड ग्रेस अभी तक वो सही है। आप लोग भी ब्लेसिंग कीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आलू फ्राई हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे आलूओं को मैंने निकाल दिया एक प्लेट पे, और यहाँ पे हम लोग फ्राई कर रहे हैं चिकन को। ये पोल्ट्री का चिकन है, तो इसको भी मैं तेल में थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। ऐसे करने से क्या होता है, आपका चिकन जो है बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, लेकिन चिकन का एक जो गंदा खुशबू होता है वो भी चला जाता है। और यहाँ पे मेरे पापा को देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का गंजी पहन के आज माली बने हुए हैं। उनको जहाँ भी ऐसे जंगल झाड़ और बगीचा दिख जाए तो उनकी साफ सफाई करने पे जुटे रहते हैं। और इधर सुजाना देख रही है सबको कि किसका क्या काम हो रहा है, दैट्स वाई। और देख सकते हैं पूरा हरा भरा है, इतना ही हरा भरा है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे सच में गर्मी भी बहुत कम होती है। और दोस्तों देख सकते हैं चिकन जो है हल्का लाल लाल हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक बर्तन पे। चिकन को आप ऐसे एक बार तेल में, मतलब कम तेल में ही नमक डाल के फ्राई करके आप एक बार चिकन बनाइए, चिकन का ग्रेवी बनाइए, तो देखिएगा दोस्तों। मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ, वैसा चिकन थोड़ा सा टेस्ट में अलग होता है जैसे आप बनाते हैं, अगर आप फ्राई करके नहीं बनाते होंगे तो। तो देख सकते हैं फ्राई करने के बाद इतना सा ही तेल बचा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा अभी और तेल ऐड करूंगी। और सारे रेसिपीज जो है सरसों के तेल पे ही बने हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ये लकड़ियाँ मैं लगा रही हूँ, और यहाँ पे प्लेट पे दोस्तों सारे रेडी हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने मम्मी ने रेडी करके दिया था। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज मैं डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा करके। अब प्याज को हमें मीडियम धीमे आंच पे भून के लाल लाल कर लेना है। और मैंने इसी स्टेज पे हरी मिर्ची भी डाल दिया दोस्तों। ये जो किचन है दोस्तों, ये मिट्टी के चूल्हे का किचन है, ऐसे ही नॉर्मल किचन है, उसमें गैस वगैरह रखे रहते हैं, लेकिन ये किचन है ओकेशनली पर्पज खाना बनाने के लिए, क्योंकि इस पे जब चूल्हे पे खाना बनाना रहता है तभी ये वाला किचन यूज होता है। देख सकते हैं नीचे का फ्लोरिंग भी जो है वो मिट्टी का है, क्योंकि ये चूल्हा जो है मिट्टी से ही बनता है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया था ताकि कैरमलाइज्ड हो जाएगा तो आपका ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया दोस्तों,
और साइड में जो आप जो बड़ा सा चावल बनाने वाला बर्तन देख रहे हैं, इस पे मैंने पानी गर्म करके रखा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे एक कटोरी पे दोस्तों हल्दी, जीरा, ये सबको पानी में घोला हुआ था दोस्तों, तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसे अब हमें भून लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं भूनते भूनते मसाला जो है थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो गया है। तो इस स्टेज में अब मैं ऐड कर दे रही हूँ दोस्तों बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, और टमाटर को भी अब हमें अच्छे से कुक कर लेना है दोस्तों। चूल्हे पे का खाना आप जो लोग नहीं खाए हैं दोस्तों एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। सेम मेथड, सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम सब कुछ आप डाल के गैस में बनाइए, उसका टेस्ट अलग होगा। और वही सेम मेथड से आप चूल्हे पे बनाइए तो उसका टेस्ट अलग आएगा। ये है मिट्टी के चूल्हे का खासियत। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के दही डाल दिया। देख सकते हैं दोस्तों अभी तक मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया है दोस्तों मसाला भूनने में, तो ये दही से जो पानी निकलेगा दोस्तों ये उसी से भुना जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों दही का पानी सूख चुका है। तो इसमें अब मैं चिकन और आलू को डाल दिया जिसमें मैंने फ्राई करके रखा था, वो बर्तन में जितने भी तेल थे वो सारे को मैंने ही डाल दिया। और इसे अब हम लोग चला के मिक्स कर लेंगे। चला के मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीट मसाला, ये सनराइज का जो मीट मसाला आता है पाउडर मसाला, ये वाला डाल देंगे इसमें दोस्तों। और इसे अब हम लोग धीमे आंच पे भूनते रहेंगे, क्योंकि चिकन को जो है भुनाई के ऊपर ही उसकी टेस्ट जो है डिपेंड करती है। तो हम लोग इसीलिए लकड़ी का चूल्हा का आंच को कम कर दिए है, मतलब लकड़ी कम लगाए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसका कलर देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा आया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, कोई ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। और जैसे गर्म पानी रखा हुआ था दोस्तों, मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ ये गर्म पानी। और इसे अब उबलने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ दोस्तों, ताकि ये उबले, थोड़ा सा आलू वगैरह जो है जितने भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और मैं थोड़ा बाहर का सैर का इधर उधर देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है, तो मैं बाहर निकल ही गई प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेने के लिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा प्राकृतिक सा नज़ारा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरे 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 भरे, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्नेक भी है दोस्तों, जहरीले जहरीले, तब जब आ जाते हैं तब लगता है यहाँ से भाग जाए। तो ये है दोस्तों किचन का आउटर लुक, हमारा मिट्टी का चूल्हे का किचन का आउटर लुक। और यह है लकड़ियों का सेक्शन, यहाँ पे सारे खाना बनाने वाले लकड़ियाँ रखे रहते हैं। और आपको मैं बताना भूल गई, इसी चूल्हे के पास प्रीवियस नाइट को एक सांप घुसा था, एक सांप घुस गया था जिसको बंगला में कलाच बोलते हैं, बहुत ही जहरीला होता है, फिर उसको भगाया गया। तो दोस्तों ये रहा मेरा फाइनल लुक चिकन का दोस्तों, देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉईल हो गया, कुक हो गया दोस्तों। तो होप सो आपको गांव का प्राकृतिक माहौल वाला ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आप तो समझ गए होंगे कि मैंने गैस को ऑफ करने के जगह लकड़ी को मैंने निकाल दिया, और गैस और कढ़ाई को मैंने चूल्हे से उतार दिया। तो होप सो आपको डुअर्स का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, गाँव स्टाइल में बनाने का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।